हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू डे न्यू ब्लॉग। सो मैं आज आई हूँ अरुणाचल धीरांग मंडला पर एंड आप देख सकते हो इतना प्यारा सा बोट लगा हुआ है। वंस अगेन वेलकम टू ममस पॉइंट। ओके सो ये वीडियो ये ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत करना, कंटिन्यू देखना एंड लेट्स स्टार्ट। ओके सो गाइस ये है एक प्यारा सा रेस्टोरेंट। ओके और ये रेस्टोरेंट का सबसे खास बात क्या है पता आपको? लुक एट दिस, ये है आप यहाँ पर बैठकर चाय कॉफ़ी पीकर आप इंजॉय कर सकते हो नेचर को एंजॉय कर सकते हो। दिस इज़ हेवन, सच में मेरे को तो स्वर्ग जैसे फील हो रहा था। एंड और मैंने एक कप कॉफ़ी मंगाई ली और उसके बाद मैंने कॉफ़ी पी लिया और मेरे को इतना अच्छा लग रहा था। ठीक है और मैं अभी जाती हूँ गाना की ओर। जब भी रहूं संग तेरे भूलो हर गम सिखा गिरा सदी मेरा सो गाइस मैंने गाना भी कंप्लीट कर दिया, मैंने गाना भी गाया, बहुत ही अच्छा लगा और आप लोग भी गाना गा सकते हो। ओके एंड मैं सिंगर तो नहीं हूँ, एक्चुअली मैं बाथरूम सिंगर हूँ इसलिए मैंने थोड़ा मोड़ा गाना गा लिया। एंड आप लोग प्लीज़ बाहर का नज़ारा देख सकते हो। ओके चलो गाइस मैं आप ले जाती हूँ बार में। ओके ये भी मामास पॉइंट का बार है। एक्चुअली काम चल रहा था मीन्स 5% ही काम बाकी था, बस वो काम ही कंप्लीट कर रहा था तब भी मैं अंदर चली गई और मैंने देखा वाओ बढ़िया। और सबसे बढ़िया मेरे को क्या लगा पता है? सोफ़ा, इतना अच्छा सोफ़ा था ना और मैं सोफ़ा में बैठ कर काफ़ी इंजॉय कर रही थी। ओके फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। यहाँ से वेलकम टू मामास पॉइंट। नहीं ना लो आओ ना, अभी साथी बहन हम दोनों ट्री हाउस की तरफ जा रहे हैं। अभी दिखाएंगे आप लोग एकदम सुंदर सुंदर ट्री हाउस। एकदम माला था मलाई जब माथि रोडबाट देखेँ नि कस्तो दामी लागेको। ओ यो पेरमा फुल पनि खेल्छ है, वा दामी है। सो गाइस ये है ट्री हाउस, है ना सुंदर, है ना अमेजिंग। सच में मेरे को बहुत ही अच्छा लगा।
मैं ऐसे ही तारीफ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, सच में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। और जब रात का व्यू होता है ना, अमेजिंग, वाओ, जस्ट लुकिंग फॉर वाओ, वो वाला व्यू आता है रात का, जो लाइटिंग, जो रात का व्यू होता है, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। सो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, परिवार के साथ आ सकते हो, दोस्तों के साथ आ सकते हो, आके यहाँ पर आप स्टे कर सकते हो, घूम सकते हो, इतना शांति जगह, इतना अच्छा नेचर, आप नेचर को इंजॉय कर सकते हो। सो गाइस मैं आपको ये दूर से दिखाऊंगी, ठीक है। सबै साथीहरुको ड्रुलप परेर बे हुन थालिसकेछ आफू भने अहिलेसम्म एक लो भई म बसेको छु सम्झी सम्झी पुराना दिनहरु तिमले त सेपारे छौ है अर्कै केटोसँग अब म भने के गरौ होइन कम्प्लिट नै होइन बाहिरको चाहिँ अलिकति नि। सो गाइस मैंने आप लोगों को दो होम स्टे भी दिखा दिया, ठीक है। और सबसे खास बात क्या है पता है, ये टाइम को ना यहाँ पर स्नोफॉल होता है। अगर किसी को भी बर्फ़ खेलने का मन हो, किसी को भी बर्फ़ में इंजॉय करने का मन हो, तो ये टाइम को आप लोग आ सकते हो, ओके। एंड आप लोगों को रेस्टोरेंट से लेके, होम स्टे से लेके, ट्री हाउस से लेके, बार से लेके, एवरीथिंग आपको सब कुछ अवेलेबल रहता है। एंड प्लीज़ कम विजिट नाउ। सो गाइस आफ्टर वीडियो शूट के बाद मैंने किया ओनर के साथ लंच, ओके। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा मोमेंट रहा। और आप लोग देख सकते हो ये है रात का व्यू, अच्छा है ना सचमुच। सो प्लीज़ गाइस आप लोग यहाँ में आके ज़रूर विजिट करना, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय।